जय हिंद। अगर आप कोई एक साइबर कैब चलाते हैं या ऑनलाइन कोई भी शॉप चलाते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके बोलता है कि भैया हमको एक टेंथ का सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, इसको लेमिनेशन करना है, तो भाई आपको एक लेमिनेशन मशीन आपके पास रहना चाहिए ना। तो मैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया हूँ। मात्र ये जो लेमिनेशन मशीन है, 3000 रुपीज में ये एलिमिनेशन मंगाया हूँ। इसको देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपको भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए इस लेमिनेशन मशीन को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू भी बताएंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट को ये कैसा लेमिनेशन करके दिखा रहा है, राइट। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले ये कैटोन है, ये खुला हुआ है। आप बोलिएगा भैया पहले से आप खोल दिए हुए हैं, तो देखिए इसका जो है पहले से क्यों खुला हुआ है, कि जो डिलीवरी बॉय आते हैं ना, वो आपको खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर जो लेमिनेशन मशीन है वो है या नहीं है, जो कंपनी वाले दिए हैं ये लेमिनेशन मशीन दिए हैं या नहीं दिए हैं, राइट। तो डिलीवरी बॉय उसका गारंटी लेते हैं, वहां खोलते हैं और तब दिखा के आप उसका फोटो लेकर तब जाते हैं, राइट। तो आप देखिए क्या करते हैं इसको, ये जो लेमिनेशन मशीन है, इस लेमिनेशन मशीन की मॉडल की बात की जाए तो आप सब यहाँ देखिए A3 320 मॉडल है, ठीक है। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है A3 320 मॉडल है। ये जो है पावर कंज्यूम करता है, यहाँ पर 400 वाट का पावर करता है। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो 110 से 220 वोल्ट में ये ऑपरेट हो जाएगा। अगर आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट आता है, जो आपका एसी सप्लाई आता है। अगर मान लीजिए इन्वर्टर भी है या आपके पास बैटरी भी है तो 110 वोल्ट से भी ये ऑपरेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ अगर बात की जाए, देखिए वर्किंग टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर 90 से 180 डिग्री सेल्सियस वर्किंग टेम्परेचर इसका है, ठीक है। वर्किंग टेम्परेचर के बाद यहाँ अगर मान लीजिए कि मशीन का वेट की जाए तो 5 kg ये मशीन का वेट है, राइट। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये ऑपरेट किसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर तीन यहाँ पर बटन दिया हुआ है। देखिए ये जो है मशीन आपको यहाँ फ्रंट टेक का मशीन है और यहाँ पर तीन बटन दिया हुआ है, पहले इसको समझिएगा। देखिए एक नंबर में है क्या है, यहाँ पर दिया हुआ ये रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हीटिंग करने के लिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हीट, HEAT, हीट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, 100 से 110, 120, 130, 140 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है यहाँ फॉरवर्ड, ये हो गया रिवर्स। अब फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें एक रोलर आपको देखने को मिलेगा, बीच में आपको रोलर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि इधर से अगर आप पेपर लगाते हैं तो ये आगे की तरफ में फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, आगे की तरफ में फॉरवर्ड करेगा। अगर यही पेपर लेमिनेशन मशीन हो के आगे निकल गया, ठीक है, अगर इसको पीछे से इधर लेके आना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का यहाँ बटन दिया हुआ है। अगर इसको मान लीजिए बीच में अगर कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, तो बीच वाला नहीं है सिस्टम, या फॉरवर्ड कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर लिखा है हॉट और नीचे लिखा है कोल्ड। तो हॉट और कोल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर ये मशीन है, इस मशीन को अगर गर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, हॉट वाला बटन आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे है कूल, तो कूल ऐसे ही जैसे टेम्परेचर आपका रहता है तो कूलिंग ऑटोमेटिक ये हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर तीन यहाँ पर बटन आप समझ गए होंगे। फर्स्ट है आप कितना डिग्री टेम्परेचर पर हीट करना चाहते हैं, ऊपर है फॉरवर्ड, नीचे है रिवर्स, उसके बाद हॉट कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, तीन बटन ये हो गया, राइट। अब आपको हम बोले थे कि ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इधर से पेपर घुसा दिए इसमें, ठीक है। अब घुसाने के बाद मान लीजिए कि ये जो पेपर है, घुसाने के बाद लाइट आपका कट गया, तो लाइट कट गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मशीन है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ हो जाने के बाद इस पेपर को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां से क्या होता है, यहां से देखिए इसमें इसको लगाइएगा और जैसे इसको घुमाना चालू कीजिएगा, अगर आगे की तरफ करना चाहते हैं तो आगे इसको कर सकते हैं, या पीछे इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, लाइट कटने के बाद इसका उपयोग किया जाता है, राइट। तो आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।